जी 24 कलाक द्वारा एरपोर्ट पर रियालिटी चेक करवामां आव्युं। जी हां, अमदावाद एरपोर्ट पर जी 24 कलाक रियालिटी चेक कर्युं। एरपोर्ट पर कोरोनानी गाइडलाइन ना धज्जागरा उड़ी रह्या छे। आ दृश्यो सामे आव्या, नागरिको अने कर्मचारीओ नथी पहेरी रह्या मास्क, चिंतानो विषय छे। मास्क अने सोशल डिस्टन्स पण नथी जळवातुं। जी 24 कलाक द्वारा अमदावाद एरपोर्ट खाते रियालिटी चेक करवामां आव्युं। अमदावाद एरपोर्ट पर जी 24 कलाक द्वारा रियालिटी चेक करवामां आवी रह्यु छे। घणा लोको मास्क विना जोवा मळी रह्या छे अने तेनी साथे अहीं आप जोशो के एक बीवीजी जे हाउसकीपिंग नी जे कंपनी छे, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, त्यां आ तमाम जे युवानो छे, युवतीओ छे, तेमने नौकरीए बोलावामां आव्या छे अने तमाम लोकोने कई रीते अहीं बेसाड़वामां आव्या छे। भारत सरकारनी गाइडलाइन जे छे एसओपी के अने प्रधानमंत्री स्वयं कहता आव्या छे कि बे गजनी दूरी, ए क्यांय अहीं नजर नथी आवती। अने अहीं जे तेमना अधिकारी होय के साहेब छे, ए तमाम लोको आवी रीते वर्तन करी रह्या छे। आ खूब गंभीर वात छे कि कोई पण रीते आ लोकोने समजण नथी आपवामां आवी के फिजिकल डिस्टन्स केटलू जरूरी छे। तेमने नजीक नजीकमां बेसाड़ी राखवामां आव्या छे। एक तरफ कोरोना वायरस अने बीजी तरफ आ हाउसकीपिंगनी जेमनी जवाबदारी छे एरपोर्टने स्वच्छ राखवानी, बीवीजी नामनी कंपनी छे, तेमना अधिकारी छे, एमनी साथे वात करीशुं। सर ये बताइए, इन लोगों को क्यों इस तरह से दूर नहीं बिठाया गया है? क्यों डिस्टेंस मेंशन किया हुआ है? एक मीटर का डिस्टेंस है, आप कैमरा जूम करके देख लो, सबके बीच में डिस्टेंस बनाया हुआ है। अभी ये फेस स्लिप इश्यू कर रहे हैं तो उनकी वजह से वन बाय वन सबको बुला रहे हैं, तो थोड़ा डिस्टेंस मेंशन होने में गलती है। ठीक है, बाकी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि कोरोना की वजह से सबकी सेफ्टी, ग्लोव, मास्क कंपलसरी भी थे, वो मास्क नहीं पहने हुए थे, वो आउट टाइम पे मेरे को मिले तो वो बाहर से धूप में से आए थे, तो उनकी वजह से उसको थोड़ा तकलीफ हो रहा था, तो उसकी वजह से उसने मास्क निकाला था। कंपनी क्या करती है यहाँ पे? यहाँ पे क्लीनिंग का काम करती है। तो आप सांभळी रह्या हता कि जेनी माथे जवाबदारी छे एरपोर्ट ने स्वच्छ राखवानी, तेज कंपनी ना जे कर्मचारीओ छे ते लोको कई रीते अहीं सरकारनी गाइडलाइन, गृह मंत्रालयनी गाइडलाइन जे छे एसओपी, तेनुं पालन नथी करता बिंदासपणे मास्क विना। अने आ तमाम लोकोने अत्यारे ज्यारे अमारी न्यूज टीम पाछी अहीं आवी छे त्यारे तमाम लोकोने थोड़ा दूर करवामां आव्या छे। पण आ एक गंभीर वात छे कि केम भारत सरकारनी गाइडलाइन जे छे तेनुं पालन, अमदावाद इंटरनेशनल एरपोर्ट तरीके जाणीतुं छे, तो आ एरपोर्ट पर केम तेनुं पालन करवामां नथी आवी रह्युं, एक मोटो सवाल छे। कैमरा पर्सन विजय खटीक नी साथे अमित राजपूत, जी मीडिया, अहमदाबाद। मास्टर अभी जस्ट निकाला है मैंने, उसके लिए पसीना बहुत हो रहा था इसलिए निकाला सर। जी सर पता ले, बट मैंने अभी निकाला है बात करने के लिए, और थोड़ा पसीना बहुत हो रहा था सर इसलिए, बाकी तो लगा के रखते सर। हाँ मास्क क्या बोलती है? यहाँ भूल ही गया यार, आ रही ना एयरपोर्ट पर काम करो जो अभी खाना खा के हम लोग बैठ गए थे, मास्क क्यों नहीं पहनते? मास्क पहनते सर, अभी लंच करके आ रहे हैं ना हम लोग, भूल गए। मास्क पहनते सर, अभी लंच करके आ रहे हैं ना हम लोग, भूल गए। हम लोग अभी बैठ गए थे, काफी देर से बैठे। नहीं नहीं अभी 10 मिनट हो गया, ज्यादा नहीं। 10 मिनट क्यों बराबर नहीं पहनते? क्या मास्क नहीं पहनते? बीमार थी जाए ना, सही जाए सर। मास्क पहनू जी ना? पहनू जी सर। કેમ માસ્ક નીચે રાખ્યો છે? ગભરામણ થતી હતી એટલે રાખ્યું, માસ્ક વાસ કેમ નીચે રાખો છો? હમણાં હાલ જ નીચે રાખ્યું છે સાહેબ, 2 મિનિટ થઈ છે હમણાં। ના ના બીમાર બીમાર ને એકદમ ઉષ્ટપુષ્ટ તંદુરસ્ત છીએ, ના ના બીમાર તો નહીં થયો સાહેબ, એમાં બીમાર નો કોઈ સવાલ જ નહીં। આ તો માસ્ક ના પહેરે તો કોરોના તો અવશ્ય થવાનો છે। મસાલો ખાવ્યો સાહેબ, એટલે
મસાલો ખાવ સાહેબ એટલે મસાલો ખાવ છો તમે એરપોર્ટ ઉપર મસાલો ખાવ બોલો ને શું છે તો હવાઈ એરપોર્ટ પર મસાલો કેમ તમને નહીં ખબર મસાલો ખાવ ખવાય ને કેમ ના ખવાય એરપોર્ટ પર તો શું છે અમદાવાદ એરપોર્ટ ખાતે ઝી 24 કલાકની ટીમ પહોંચી અને રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવ્યું. ત્યાં કોરોનાની જે પરિસ્થિતિ છે તેની ગાઈડલાઈન છે તેનું પાલન કયા પ્રકારે કરવામાં આવી રહ્યું છે તે અમે જાણવાની કોશિશ કરી. આપે જે દ્રશ્યો જોયા કેટલાક લોકો માસ્ક વગર દેખાયા તો બહાનેબાજી પણ કરી રહ્યા છે.